सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ओके, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही रेलेवेंट और बजिंग टॉपिक है एजुकेशन की फील्ड में, फ्लिप्ड क्लासरूम। बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस पर। तो फ्लिप्ड क्लासरूम, वैसे आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारा मैटर हमको मिल जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम पे, लेकिन हम यहाँ पर बहुत डिलिमिट किया है हमने अपने टॉपिक को, और हम मेनली बात इस पर करेंगे कि हम अपनी कक्षा में हाउ टू इम्प्लीमेंट फ्लिप्ड क्लासरूम, कि हम कैसे फ्लिप्ड क्लासरूम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में। इस पर हमने डिलिमिट किया है अपने आप को इसमें, लेकिन थोड़ी बात हम फ्लिप्ड क्लासरूम पर करेंगे कि क्या है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम, अ फ्लिप क्लासरूम इज अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, यानी ये ब्लेंडेड लर्निंग का एक टाइप है, वेयर स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू कंटेंट एट होम, जहां पर विद्यार्थियों को घर पर शिक्षा दी जाती है पहले, एंड प्रैक्टिस, घर पर मतलब क्लास के पहले, एंड प्रैक्टिस वर्किंग थ्रू इट एट स्कूल, और उस पर जो प्रैक्टिस का काम होता है, जो अभ्यास कार्य होता है, वो हम विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में करते हैं। दिस इज द रिवर्स ऑफ द मोर कॉमन प्रैक्टिस, ये उल्टा है ना मोर कॉमन प्रैक्टिस का, यानी कि जो मेनली प्रैक्टिस चली आती है उसका उल्टा है। कैसे उल्टा है? क्यों? क्योंकि हम जब ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था, बचपन से हम लोग किस तरह से पढ़ते आए हैं कि टीचर क्लास में आता है, वो हमको किसी कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता है, और हमको होमवर्क में, असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में हमको कहा जाता है कि उस पर आधारित अभ्यास कार्य हमको करना है। यही तो होता रहा है हमारे साथ, हम लोग भी यही करते आए हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, हमको भी इसी तरह से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर होता क्या रहा है कि स्टूडेंट को हम क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रैक्टिस के लिए घर पर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना है फ्लिप्ड क्लासरूम में कि इंट्रोड्यूस हम पहले कर देंगे और प्रैक्टिस का काम विद्यालय में करेंगे, इंस्टीट्यूशन में करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, विद द हेल्प ऑफ पीयर ग्रुप। ओके, तो ये चूंकि रिवर्स कर दिया ना हमने कंसेप्ट को, इसीलिए हमने इसका नाम कर दिया फ्लिप्ड, फ्लिप कर दिया कॉइन को, हमने पलट दिया उसको, है ना। फिर मोर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंटेंट एट स्कूल, देन असाइनिंग होमवर्क एंड प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली एट होम, यानी कि जो कॉमन प्रैक्टिस चलती है उसका हमने उल्टा कर दिया है। अच्छा, जब हम फ्लिप क्लासरूम का कंसेप्ट जब हमारे सामने आया, जब हम इसको पढ़ते हैं, तब हम ये समझते हैं कि हम ये पहले क्यों नहीं समझे कि हम एक तरीके से उल्टा कार्यक्रम कर रहे थे। कैसे? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो ब्लूम्स ने जो हमें एक हायरार्की बताई है, जो उसने लॉट्स एंड हॉट्स बताए हैं, लॉट्स का मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये मैंने स्लाइड में नहीं इंक्लूड किया है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में उन्होंने क्या बताया, एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन, है ना। और अगर उसको रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से देखें तो अप्लाइंग एनालाइजिंग क्रिएटिंग इवैल्यूएटिंग, इस तरह से, है ना। तो वो उन्होंने हायर ऑर्डर बताया, और लोअर ऑर्डर में उन्होंने सिर्फ रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग को रखा है। तो हम करते क्या थे पहले, सॉरी ट्रेडिशनल हम लोग क्लासेस में क्या करते थे कि हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तो टीचर के साथ कर रहे हैं, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जहां पे बच्चे को ज्यादा दिमाग की जरूरत है, जहां ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जहां ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, वो हम उसको घर पर करने दे देते हैं अकेले। तो ये तो उल्टा हुआ ना, ये तो कॉग्निटिवली भी हम उल्टा कर रहे थे, अब हम सीधा कर रहे हैं जब हमने क्लासरूम को बदल दिया है, फ्लिप कर दिया है कि आप लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए स्टूडेंट अकेला है, आप उसको मैटर प्रोवाइड कर दीजिए, वो उसको पढ़ेगा, समझने की कोशिश करेगा जितना समझ पाएगा, और उसके बाद जो उसका एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन पोर्शन है उसका, वो पीयर ग्रुप के हिसाब से करे, पीयर ग्रुप के साथ करे, टीचर के साथ करे। इसमें हमको वाइगोट्स्की का कंसेप्ट भी ध्यान देना होगा कि वाइगोट्स्की ने जो ZPD बताया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो भी यही कहता है कि ये जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो प्रॉक्सिमिटी में बढ़ जाता है। किसकी प्रॉक्सिमिटी में? जब वो मोर नॉलेजेबल पीयर के साथ आता है, या वो मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल के संग आता है। तो मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल कौन है? उसका टीचर है। तो टीचर की प्रेजेंस में हम कठिन काम इजीली कर सकते हैं, या हमारी दर बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी चीज को सीखने की। तो हम इन सिंक हो गए हैं ब्लूम्स के भी, इन सिंक हो गए हैं हम वाइगोट्स्की के भी, अगर हम फ्लिप्ड क्लासरूम को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब पहली बार दो तीन साल पहले मैंने पहली बार इस कंसेप्ट को जाना था, तभी मुझे इतना ये स्टिक किया कि ये कितनी अच्छी बात है, कितनी नई बात है, और क्यों हम नहीं जान पाए इसको, और विदेश में ये इंट्रोड्यूस हुआ और वहां से हम इसको फॉलो करें। कोई बात नहीं, फॉलो ही हम लोग अगर इसको बेहतर तरीके से कर लें तो हम इसका फ्रूटफुल रिजल्ट ले सकते हैं।
अच्छा, हम चूंकि यहाँ पे फ्लिप क्लासरूम क्या है इस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप गूगल सर्च करेंगे, नेट सर्च करेंगे, बहुत मैटर फ्लिप क्लासरूम में भरा हुआ है। उसको वो फ्लिप करके तोड़ता है, एफ माने फ्लेक्सिबल, एल लर्निंग एनवायरमेंट, इनोवेटिव प्रैक्टिस, इस तरह से करके बहुत सारा मैटर है। लेकिन ये मैटर इजीली आपको नहीं मिलेगा कि कैसे आप अपनी कक्षा में फ्लिप क्लासरूम को आयोजित कर सकते हैं। यानी कि अब तो इनोवेटिव सारी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही, हो सकता है बीएड में अब ये भी आ जाए कि आप कुछ लेसन प्लानिंग जो है वो फ्लिप क्लास रूम के लिए बनाइए, मे बी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टेप, या किसी टीचर को अपनी कक्षा में करना है, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, मिडिल का हो, प्राइमरी का हो, तो हमको ये आइडिया एक होना चाहिए कैसे हम फ्लिप क्लासरूम अपनी कक्षा में लगाएंगे। सबसे पहला, हम चाहे नॉर्मल क्लासरूम हो या फ्लिप क्लासरूम हो, फर्स्ट हमारा वही रहेगा क्या कि हमको डिफाइन करना पड़ेगा किसको, कंटेंट यानी विषय वस्तु, स्कोप यानी क्षेत्र क्या है उसका, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आजकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बहुत बात हो रही है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप इवन अपना सिलेबस उठा के देखिए, आप कोई भी मॉड्यूल उठा के देखिए, आप कोई मूक कोर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई मॉड्यूल ले लीजिए, वो सबसे पहले तय करता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए फिर हम किसकी शरण में जाएंगे, ब्लूम साहब की शरण में जाएंगे। ब्लूम्स ने जो एक्शन वर्ब्स हमको बताई है, वही एक्शन वर्ब्स हम अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे कि चाइल्ड या स्टूडेंट विल बी एबल टू क्या, जो भी एक्शन वर्ब हम लेंगे वो ब्लूम से लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ऑब्जेक्टिव्स की खास बात है कि वो मेजरेबल होने चाहिए। हम ये नहीं ले सकते हैं कि छात्र इसको पढ़ने के बाद समझ जाएगा, ये अगर आप लिखते हैं तो आप गलत लिखते हैं। क्यों? क्योंकि समझने को आप कैसे जज करेंगे, उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जिसको अंत में आप मेजर भी कर सकें। इसके लिए भी एक एब्रिविएशन चलता है स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, रीजनेबल, टाइम बाउंड, आर्टिकुलिस्टिक, इस तरह से करके स्मार्ट, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, और हमें यह तय करना होगा कि हम कौन सी अनुदेशनात्मक प्रविधि का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, ये तो हमने कर लिया, ये सबसे लिखने में एक लाइन है पर ये बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही आपका दिमाग इसमें इन्वॉल्व होगा तब आप इसको कर पाएंगे। फिर स्टूडेंट्स गेन फेमिलियरिटी विद न्यू मटेरियल बिफोर क्लास, यानी कि हमको ये तय करना होगा, ये हमको देखना होगा कि किस तरीके से जो छात्र है उसके लिए सामने जो हम न्यू मटेरियल पेश करने जा रहे हैं वो क्लास के पहले कैसे उससे फेमिलियर हो जाए। तो हमको ये तय करना होगा कि हम अब तो आईसीटी का जमाना है, हम सिर्फ टेक्स्ट पे निर्भर नहीं है, तो हम ये सोच सकते हैं, हमको ये प्लान करना होगा कि जो भी मटेरियल हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं वो उसके लिए क्या सूटेबल है। वीडियो सही रहेगा कि टेक्स्ट सही रहेगा कि ऑडियो सही रहेगा कि सिमुलेशन सही रहेगा कि रोल प्ले सही रहेगा, एनिमेशन सही रहेगा। तो जो बेस्ट सूटेड मेथड हो उसको पेश करने का उस मटेरियल को चाइल्ड को कक्षा से पहले, ये हमको इंश्योर करना होगा कि हम कैसे उसको शो करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग है। क्यों ब्लेंडेड लर्निंग? क्योंकि फ्लिप्ड क्लासरूम तो कक्षा में हो रहा है, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि इंस्ट्रक्टर के साथ हो रहा है, यानी ऑफलाइन मोड में है। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप, जहां पे आप उसको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो होगा वो कक्षा से पहले होगा। तो कक्षा से पहले कैसे होगा, हम घर घर जाकर मटेरियल थोड़ी देंगे उसको, क्या करेंगे हम उसको मेल कर देंगे, तो बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही नॉर्मल है। हम व्हाट्सएप ग्रुप बच्चे छात्रों का बनाते हैं, उस पे दे सकते हैं। हमने कोई LMS बना रखा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मूडल, गूगल क्लासरूम, हम उस पर भेज सकते हैं। यानी कोई ऐसा तरीका हमको इख्तियार करना पड़ेगा, उसमें भी उस मटेरियल को किस बेस्ट सूटेड फॉर्म में हमको भेजना है, वो हमको स्टूडेंट की फेमिलियरिटी सुनिश्चित करनी होगी क्लास के पहले, बिफोर क्लास। फिर थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर बिफोर क्लास। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमने मान लीजिए कि मैटर बहुत अच्छा बनाया और हमने बच्चे को भेज दिया, लेकिन अगर छात्र उसको पढ़ के ही नहीं आ रहा है कक्षा में, तो हमारी फ्लिप क्लासरूम की तो पूरी आधार ही हमारा खिसक जाएगा। तो हमको ये सुनिश्चित करना होगा वो एक्टिविटी जिससे छात्र मोटिवेटेड हों और प्रिपेयर होके क्लास में आए। क्योंकि वैसे तो हम भी अभी भी हम फ्लिप क्लासरूम नहीं भी करते हैं तो भी तो हम कहते हैं ना कि भाई कल हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, आप पढ़कर आएगा, पर कितने बच्चे पढ़कर आते हैं, कोई पढ़कर नहीं आता है, गिने चुने गिफ्टेड स्टूडेंट एक दो जो भी आपके क्लास में हो। तो हमको ये तय करना होगा कि हम क्या इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, हाँ हम कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, कुछ हमको प्लान करना पड़ेगा जिससे कि छात्र मोटिवेटेड हों और प्रिपेयर होके कक्षा में आए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉम्पोनेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर फर्स्ट स्टेप,
इन क्लास एक्टिविटीज। वैसे हम लोग क्या होता है जनरली भाई, हमको पता होता है कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, हम जाते हैं वो टॉपिक बच्चे को पढ़ा देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। जनरली हम यही करते हैं 99%। लेकिन यहाँ पे बच्चे को तो पहले ही पढ़कर आया है, आप उसको पहले ही बहुत अच्छा पीपीटी बना के, बहुत अच्छा वीडियो बना के आप उसको पहले ही दे चुके हैं, यानी कि छात्र पढ़कर आया है, जितनी चीजें आप उसको बताना चाहते थे वो जान चुका है। तो अब क्या करना है कक्षा में, ये हमको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि हम क्या करें। बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दें और उनको उसी टॉपिक पे डिबेट करा दें, या हम उनको ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, या हम उनको कोई प्रोजेक्ट दे देंगे वो उसको करेंगे, हम करेंगे क्या। ये इन क्लास एक्टिविटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको प्लान करनी पड़ेगी कि कैसे हम क्या, हमको करना क्या चाहते हैं। स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू डीपन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग का प्राइमरी लेवल तो वो लेकर आया है क्लास में, तो हमको उसके उसको ऐसे अवसर प्रदान करने हैं जिससे कि वो अंडरस्टैंडिंग उसकी गहरा जाए, मजबूत हो जाए, उसकी पकड़ पक्की हो जाए। फिर उसके बाद पोस्ट क्लास एक्टिविटीज दैट एक्सटेंड स्टूडेंट लर्निंग। तो जब भी हम फ्लिप क्लासरूम की बात करेंगे तो टीचर तीन लेवल पे काम कर रहा है यहाँ पे, बिफोर क्लास यानी कि जब आप उसको मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्यूरिंग क्लास जब आप उसकी डीपेन अंडरस्टैंडिंग को डीपेन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और थर्ड आफ्टर द क्लास जब आप उसको उसकी लर्निंग को एक्सटेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं या एक्टिविटीज दे रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पोस्ट क्लास एक्टिविटीज हमको सुनिश्चित करनी होगी कि हम उसकी एक्सटेंडेड लर्निंग कैसे सुनिश्चित करें। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी टॉपिक कोई भी स्टूडेंट एक कक्षा में एक 40-50 मिनट के पीरियड में तो पूरी तरह से नहीं तैयार कर सकता है। तो हम कुछ एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए एक्टिविटीज सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि हम किसी को ग्रुप लीडर बना दें या कुछ ग्रुप्स बना दें और बोलें कि आज जो कक्षा में हुआ उसको आप समराइज करके लिख के दीजिए, या किसी को उस पर कोई रियल लाइफ एक्टिविटीज बेस्ड प्रोजेक्ट दे दें, या हम कुछ ऐसा सुनिश्चित करें जिससे वो क्लास के बाद भी इंगेज रहें उस टॉपिक में, है ना। या हम उससे कुछ हायर लेवल का उसको टॉपिक दे दें, या उस टॉपिक का किसी पहले पढ़ाए गए टॉपिक से कंपैरिजन दे दें, कुछ हमको देना पड़ेगा, यानी कि कितना लेवल पे यहाँ टीचर इंगेज है ना। लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू द इवेलुएशन एंड असेसमेंट। जब तक हम इवेलुएट नहीं करेंगे अपने बच्चे को, उसका असेसमेंट नहीं करेंगे अपने स्टूडेंट का, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितने प्रभावी रहे। और अगर हम प्रभावी ही नहीं है तो हम नॉर्मल तरीके से ही क्यों ना पढ़ाते हैं, आसानी से हमने टॉपिक पढ़ा है हमारे दिमाग में, ना हमको पीपीटी बनाना है, ना हमको कुछ भी करना है, हमको चॉक एंड टॉक मेथड से भी हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं अपने स्टूडेंट को, है ना। लेकिन हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना सारा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमने इतना समय दिया है, तो हमको इवेलुएशन भी प्रॉपरली करना होगा कि कहां हमारे बच्चे का रिटेंशन, हमारे स्टूडेंट का रिटेंशन बढ़ा कि नहीं, लर्निंग फ्रूटफुल हुई कि नहीं, कहां हम चूक गए, कहां हम और सुधार कर सकते हैं, है ना। ये इवैल्यूएशन आप जानते हैं फॉर्मेटिव हो सकता है, समेटिव हो सकता है, और हम छात्रों से भी बहुत जरूरी है कि हम उनका असेसमेंट फीडबैक फॉर्म भी उनको दें। आजकल फीडबैक फॉर्म बनाना बहुत ईजी हो गया, पहले जब तक हम लोग गूगल फॉर्म से परिचित नहीं थे तो बड़ा हमें मुश्किल लगता था। एक गूगल फॉर्म बनाइए फीडबैक फॉर्म के रूप में, और आप अपने स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी आपको पता होगी आप उनको दे दीजिए, वो सारा भर के दे देंगे, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा कि आप कहां उनको बढ़िया लगा, कहां उनको बड़ा मजेदार लगा, बड़ा चैलेंजिंग लगा, उनको बहुत मजा आई, और कौन सी चीजों पे उनको मुश्किल लगा, या वो हैपजर्ड हो गई क्लास में, या वो प्री प्लानिंग अच्छी नहीं थी, या कहां पे, क्योंकि अगर प्लानिंग आप अच्छी नहीं करेंगे तो कोई भी अच्छी नहीं करेगा, हम अच्छी नहीं करेंगे, आप नहीं अच्छी करेंगे, तो फ्लिप क्लासरूम का फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर उसका कोई उद्देश्य हमें नहीं मिलने वाला है, है ना। तो इन 6 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी कक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लिप लर्निंग के भी मिलता है टर्म, फ्लिप क्लासरूम है, फ्लिप लर्निंग है, और ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावपूर्ण होगी। तो कुछ टॉपिक्स हम फ्लिप क्लासरूम के तहत जरूर पढ़ा सकते हैं और हमको पढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से ये टीचर के एंड पे बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत उसको बहुत इंगेजमेंट उसका बढ़ जाएगा, नो डाउट टीचर पर बहुत वर्कलोड है, लेकिन अगर हम ऐसा 1, 2, 3 क्लास भी हमने अपनी ऐसी कर ली तो स्टूडेंट हमारा फेमिलियर हो जाएगा टॉपिक से और उसकी आदत पड़ जाएगी कि आप उसको जो भी टॉपिक देंगे पहले से वो पढ़कर जाएगा, और निश्चित रूप से हमारा एजुकेशन का आउटकम क्या है कि हम स्टूडेंट का बेस्ट निकाल सके ना, तो हम वो निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट ए फ्लिप्ड क्लासरूम। ओके, जा